Assalamualaikum, I'm Maria Khan, and we are starting a new segment on our channel Amanat.com, where we will be taking you on exclusive tours of different real estate luxury properties that we will be exclusively marketing and selling as well. So today, I am in Gulberg, Islamabad, where I'm taking you with my team on a tour of this beautiful, luxurious farmhouse located in Gulberg, Islamabad. So let's have a tour. And from this moment onwards, I'll pass it on to Mr. Taimur Irfan, who is going to give you the technical details of this beautiful farmhouse. Assalamualaikum ji, mera naam Taimur Malik hai. मैं आपको पूरा इसका एक टेक्निकल ओवरव्यू दूंगा इंशाल्लाह. हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में आपसे डिटेल्स शेयर करने के हवाले से. लेट्स बिगिन. चार कनाल का ये टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है. गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर ये लोकेटेड है, सेक्टर ए के अंदर. ग्राउंड प्लस वन कंस्ट्रक्टेड है, टू फ्लोर्स जी, और 18 मरला जो अप्रॉक्सीमेटली गुलबर्ग ग्रीन्स के बायलॉज सजेस्ट करते हैं कि 20% एरिया कवर्ड है. तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18 मरले के कंस्ट्रक्टेड एरिया है. वेयर एज अगर आप स्क्वायर फुटेजेस में देख रहे हैं तो तकरीबन 8500 है. ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 बेड्स, लग्जोरियस ह्यूज 3 बेड्स मिलेंगे, एज वेल एज 3 बाथरूम्स. ये सारे स्पैनिश टाइल्स इनमें लगी हुई हैं. वेयर एज जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे है उधर भी 3 बेड्स और 3 बाथरूम्स मिलेंगे. कुछ मैं फैसिलिटीज़ आपको और एड इन बता देता हूँ कि इस घर के अंदर क्या क्या है. यू हैव अ लग्जोरियस ह्यूज फ्रंट लॉन एज वेल एज गार्ड रूम सर्वेंट क्वार्टर. एट द बैक यू ऑल्सो हैव अ लग्जोरियस लॉन जी. एंड अप्रॉक्सीमेटली हर कमरा जो है वो 19x17 है. हर ड्राइंग रूम के साथ आपको एक पाउडर रूम एडेड है. आपको उसके अलावा जो है वो लाउंजेस मिलेंगे, डर्टी किचन मिलेगा बोथ फ्लोर्स के ऊपर, स्टोर रूम अवेलेबल है, इन्हें सोलर भी लगाया हुआ है. तो दैट्स ब्यूटी. विल शेयर विद यू ऑल दिस डिटेल्स इंशाल्लाह एज़ वेल. एक थोड़ा सा मैं ऐड इन कर दूँ कि ये अमानत की एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है. तो वी आर दी ओनली वंस हु आर अलाउड टू सेल दिस प्रॉपर्टी. दिस इज अमानत एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी. फर्दर मोर द प्राइस टैग ऑन दिस प्रॉपर्टी इज 16 crores. इफ़ यू वॉन्ट इट एज इज कंडीशन, एज इन अगर आप फर्नीचर के साथ ही लेना चाह रहे हैं तो द वैल्यू इज 17 crores. I'll now pass on the floor to Mr. Ahmed Malik, who's now going to take you on a grand tour of this luxurious real estate. अब इस घर का हम लोग होम टूर करेंगे. जैसे ही हम यहाँ पे इंटर होते हैं तो हमारे राइट साइड पे ड्राइंग रूम है और हमारे लेफ्ट साइड पे डाइनिंग एरिया आता है. पहले हम ड्राइंग रूम को विजिट कर लेते हैं. ड्राइंग रूम का स्पेशियस इन्वायरमेंट है, इट लुक्स रियली नाइस. सबसे अच्छी बात इस प्रॉपर्टी की ये है कि ड्राइंग एरिया को सेपरेट रखा है डाइनिंग एरिया से. ड्राइंग रूम के साथ इनका पाउडर रूम है. इसके बाद हम जो इस जगह को देखना चाह रहे हैं ये इनका डाइनिंग एरिया. डाइनिंग एरिया की कैपेसिटी तकरीबन 12 लोगों की है. इस वक्त जो यहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है इसकी कैपेसिटी 8 लोगों की है, बट अप टू 12 पीपल वी कैन अकोमोडेट इन दैट. माशाल्लाह इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू सिट एंड हैव लंच डिनर विद योर फैमिली. इसके बाद जब हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो हम कॉरिडोर से होते हुए हमारे राइट साइड पे स्टेयर्स हैं जो अपर फ्लोर के लिए, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट आई विल शो यू द ग्राउंड फ्लोर. जब हम लॉबी से होते हुए जाते हैं यहाँ पे एंट्रेंस, ये सिटिंग एरिया है. नॉर्मली फैमिलीज बैठ के यहाँ पे हैव अ मील और समथिंग लाइक इट. अगर इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो ये इलेक्ट्रिक रूम है. मीन्स के इफ़ यू हैव एनी UPS कनेक्शंस और अगर आपका कोई जनरेटर पुश है या कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं तो दैट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम हियर. इसकी राइट साइड पे किचन एरिया है. दिस इज़ द नीट किचन एरिया. इट्स ऑल फिनिशिंग जितनी भी है ये इटालियन है. ये इनका ग्रीसी किचन है. ये पूरा एरिया इसमें ये कुकिंग प्रॉपरली सारे बर्तन क्रॉकरी सारी चीज़ें नॉर्मली यहाँ पे रखते हैं. जब लेफ्ट साइड हम देखें तो ये आती है इनकी लॉन्ड्री एरिया. तो वॉशिंग मशीन एंड स्टफ दैट कैन बी पुट ओवर हियर और फिर इसके साथ यू कैन डू योर लॉन्ड्री एंड एवरीथिंग लाइक दैट. जब सिटिंग एरिया को हम लोग क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आपका लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है. इट्स अ ह्यूज लाउंज, लाइक यू कैन पुट ऑल द फर्नीचर इन द वर्ल्ड ओवर हियर एंड वोंट फिनिश. इसके साथ आप अगर देखें इस एरिया को कंप्लीट, देयर इज अ टीवी ओवर हियर, यू कैन पुट योर सोफाज एंड एवरीथिंग. और जब लाउंज से राइट एंड लेफ्ट साइड पे रूम्स हैं, उन रूम्स का टूर करते हैं अब हम लोग. हमारे राइट हैंड साइड पे दैट इज़ द फर्स्ट मास्टर बेड ऑफ द हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर. अगर हम देखें तो इट्स वेरी स्पेशियस. इट्स 20x18 इज़ द साइज ऑफ द रूम. साथ में अगर हम देखें तो दैट इज़ द ओपन एरिया वेर यू कैन पुट योर कबर्ड्स एंड एवरीथिंग. ये देखिए अगर कबर्ड्स. एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा इसके अंदर, जो इसका वुड यूज़ हुआ है इट्स ऑल दे आर जितना भी फर्नीचर
या जितनी भी डोर्स हैं जिनके जहाँ पे भी लकड़ी यूज़ हुई है वो सारा दियार का यूज़ हुआ है एंड दे हैव डन अ ग्रेट वर्क टू डू ऑल द यू नो फिनिशिंग इन दैट। इसको कंटिन्यू करते हैं, इसके साथ वॉशरूम आ जाता है इसका, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वॉशरूम। अगर अंदर से दिखाएं तो इट्स ऑल स्पेनिश, स्पेनिश इंटीरियर यूज़ किया गया है, ग्रेट फिनिशिंग एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ नॉर्मली हम लोग यहाँ पे घरों में देखते हैं कि इनका टॉयलेट एरिया और बाथरूम एरिया दोनों एक साथ होते हैं बट दे हैव डिफरेंशिएटेड है। अगर आप देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टॉयलेट एरिया आ जाता है और बाथरूम इफ़ यू वांट टू टेक अ शावर यू नो दैट इज़ ऑन द राइट साइड। तो बड़ा प्यारा खूबसूरती से उन्होंने डिज़ाइन किया इस घर को। जब फर्स्ट मास्टर बेडरूम से हम लोग निकलते हैं लाउंज से होते हुए व्हेन वी गो ऑन द लेफ्ट साइड तो ये बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम का साइज है 19x17। जो मास्टर बेड है जिस तरह आपको पहले मैंने बताया दैट आर 20x18, दिस रूम इज़ 19x17। ठीक है, अच्छा स्पेशियस रूम है, यू कैन सी अ बेडरूम, अ प्रॉपर सिटिंग एरिया यू कैन हैव, देयर इज अ टीवी इन फ्रंट, तो यू कैन सी इट्स वेरी गुड प्लेस टू सिट एंड एंजॉय योर टाइम ओवर हियर। बेडरूम हम देखते हैं, इसके सामने भी एक और बेडरूम है, इसका साइज भी 19x17 है। जो अगर हम इसकी बात करें इनके बेडरूम्स की, तो एक मास्टर बेड था जिसका साइज़ 20x18 था। अब बाकी जो दो बेडरूम है नीचे उनका साइज़ है 19x17। तो जो रूम हमने इससे पहले विज़िट किया था उसका भी साइज़ 19x17 है, ये भी 19x17 के ऊपर है। हाँ, इसका ड्रेसिंग एरिया है ये सेम एज द अदर रूम दैट वी हैव सीन। ठीक है, ये वॉशरूम है, सेम टाइल्स यूज, स्पेनिश इंटीरियर, ऑल गुड। इस बेडरूम को जब हम एग्जिट करेंगे तो दोबारा हम लोग लाउंज में आ जाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, ये जो लाउंज का एरिया है इसके साथ ये जो डोर है इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये बैक लॉन में खुलता है। लेट मी शो यू, दिस इज़ द बैक लॉन, ये इनका बैक लॉन एरिया आ जाता है। एक चीज़ इस घर की मेंशन करना चाहूँगा आपके, इन्होंने इसके स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम किया है। नॉर्मली जो दीवारों का साइज़ होता है घरों के अंदर वो 9 इंच का होता है बट दीज आर 18 इंचेस। जो दीवार, अगर इस दीवार की मैं बात करूं और पूरे घर का जो स्ट्रक्चर है, दीज आर ऑल 18 इंचेस। ये 18 इंचेस की जो दीवार उन्होंने बनाई है इसके अंदर जो 2 इंचेस की शीट है वो थर्मोपोल शीट है। नॉर्मली थर्मोपोल शीट का जो काम है वो यही है कि वो हीट एंड कोल्ड को एब्जॉर्ब करता है और घर नॉर्मली टेम्परेचर उसका कंट्रोल रहता है। अब हम फिर दोबारा लॉबी से होते हुए वापस आ गए हैं लिविंग एरिया से बाहर। अब हम स्टेयर्स से ऊपर चढ़ेंगे और नाउ वी गोना गो एंड लुक एट द फर्स्ट फ्लोर। जब स्टेयर्स हम लोग ऊपर चढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए तो हम लॉबी एरिया में एंटर करते हैं। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गया था, जो ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक जो टॉप है इसका दैट इज़ 18 फीट, लाइक इट्स अ मैसिव एरिया और ये काफ़ी बड़ा बनता है। ये एरिया है इसका। इसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 2 टेरेसेस हैं। एक टेरेस जो है वो ओपन टेरेस है, अभी नाइट व्यू में हम इस एरिया को देखेंगे, दैट्स कम्प्लीटली ओपन टेरेस। इफ़ यू कैन लुक एट द व्यूज आर ब्यूटिफुल फ्रॉम दैट। ऑफकोर्स हैविंग अ फार्म हाउस ऑफकोर्स इज़ अ लग्जरी, और सबसे ज़्यादा जो फार्म हाउस जिसको मेंशन आप कर सकते हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द ब्यूटी दैट इट टेक्स। इसके साथ भी एक सामने टेरेस है जो हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं। जो दूसरा टेरेस था दैट वी जस्ट सॉ वाज एन ओपन टेरेस बट इसमें पैरागोलास लगाए हुए हैं। अगर आप ऊपर का शॉट लें आप देखें तो ये पैरागोलास लगाए हुए हैं, तो ये इट्स लाइक अ सीम काइंड ऑफ अ कवर्ड एरिया कि अगर लेट्स से इफ़ यू डोंट एंजॉय हैविंग अ ओपन टेरेस तो यू कैन कम ओवर हियर। पैरागोलास लगे हुए, ब्यूटीफुल लाइट्स मीन मेंशन ओवर हियर, ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर, लाइक लुक एट द व्यू, इट्स ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर। जैसे ही हम लोग दूसरे टेरेस से निकलते हैं वी कैन कम बैक टू द लॉबी। द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कम अक्रॉस वेरी ऑफन इज द जिम एरिया। मोस्टली लोग यहाँ पे जिम नहीं बनाते, कुछ लोग जिम भी बनाते हैं बट एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ, इनकेस अगर आप इस एरिया को, अगर आप जिम इसको नहीं रखना चाहते, इन्होंने सारी फिटिंग्स की हुई हैं इसके अंदर, ऑल द नेसेसरीज आर देयर टू मेक इट अ किचन। तो इनकेस इफ़ यू डोंट वांट टू मेक इट एज अ जिम रूम यू कैन यूज इट एज अ किचन।
इसमें सारे फिक्स्चर्स वगैरह हुए हुए हैं, ओनली जस्ट यू नीड टू प्रोटेज द एरिया फॉर द किचन। खैर अब यहाँ पे हम लोग लाउंज में दोबारा इंटर हो गए हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ मैसिव लाउंज एज वेल, यू कैन पुट अ टीवी ओवर हियर एज पर योर नीड्स। ऑफ कोर्स दे हैव कंक्लूडेड बाय देयर ओन वे, लाइक उन्होंने इसको लाउंज, प्रॉपर लाउंज यूज़ किया हुआ है। लाउंज एरिया से जब हम लोग निकलते हैं, वी गो ऑन द राइट साइड, सेम लाइक द ग्राउंड फ्लोर। तो जब हम ग्राउंड फ्लोर पे भी थे, जब हम इस राइट साइड पे इंटर हुए थे, तो वी सॉ के देयर वाज अ मास्टर बेडरूम। ये सेम एज इट इज़ ग्राउंड फ्लोर में जिस तरह मास्टर बेडरूम था, उसी तरह इसका भी साइज 20x18 है, ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसका एरिया में इंटर हों, तो वी सी के सेम वॉशरूम, सेम फिक्स्चर्स, सेम टाइल्स। जब मास्टर बेडरूम से हम लोग निकलते हैं, सेम एज इट इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वी सी टू बेडरूम्स इन फ्रंट। लेट्स गो ऑन द लेफ्ट साइड फर्स्ट। सेम एज इट इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो लेफ्ट साइड पे रूम्स थे, दे हैड द सेम साइज 19x17। इसका भी जो रूम साइज है, ये 19x17 है। इट हैज़ अ विंडो ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल, और प्रॉपरली कैन बी यूज एज अ बेडरूम। ठीक है, मैसिव एरिया है। सेम एज इट इज वी गो ऑन द लेफ्ट साइड एज अ वॉशरूम। Let's enter over here. We show him this area too. Same as it is, Spanish styles, beautiful washroom, but with different color. Like colors are very important. Agar aap farm house ko use kar rahe hain, to use different colors. Of course, theme aap same bhi rakh sakte hain. Colors different use kar sakte hain. Spanish styles and as it is continue karte hain. Aur phir uske samne ek aur bedroom hai. Same as it is on the ground floor. ठीक है? इसका भी साइज़ 19x17 है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, जो मास्टर बेड हैं, मास्टर बेड के साइज़ डिफरेंट हैं, और जो नॉर्मल रूम्स हैं, दे बोथ आर द सेम 19x17 है दोनों रूम्स की डायमेंशन। इसका ड्रेसिंग एरिया है, स्टार्ट एंड देन द वॉशरूम। वॉनिश इज सेम स्पेनिश टाइल्स यूज्ड, एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। लाइक कमरे के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आप बाथरूम का साइज़ रखें, क्योंकि मोस्टली लोग जो रूम्स बनाते हैं, दे ट्राई के रूम्स तो बड़े रख लें, वो उसके वॉशरूम्स बहुत छोटे यूज़ करते हैं। तो देखें, इन्होंने वॉशरूम्स का साइज़ भी अच्छा रखा हुआ है, इट लुक्स स्पेशियस। ऑफ कोर्स आजकल लोग नॉर्मली चाहते हैं कि अगर उनका रूम का साइज़ बड़ा है, तो उनका वॉशरूम का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी ह्यूज। बेडरूम्स, थर्ड बेडरूम हम लोगों ने एग्जिट कर लिया है। इफ़ यू गो ऑन द लेफ्ट साइड, उसके सामने जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आए थे, तो सामने जिम था, जिम और किचन, इफ़ यू कैन यूज इट एज अ किचन। ऑन द लेफ्ट साइड इट्स अ स्टोर, लाइक अभी स्टोर जाहिर बात है उनका काफ़ी सामान पड़ा हुआ, वी आर नॉट एबल टू यूज़ द स्टोर, बट दे हैव मेड अ लॉट ऑफ कबर्ड्स ओवर देयर, तो उसमें सामान आराम से आ जाता है और उसका स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। स्टोर को हम जैसे ही एग्जिट करेंगे, ऑन द लेफ्ट साइड वी सी देयर इज इलेक्ट्रिक रूम। ठीक है, ये घर पूरा इक्विप्ड है सोलर सिस्टम के साथ, तो इनका जितना भी सिस्टम है, दैट इज़ ऑपरेटिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो इस इलेक्ट्रिक रूम के अंदर इनका सोलर सिस्टम आ रहा है। बहुत बेहतरीन है, आजकल लोग सोलर सिस्टम इसीलिए यूज़ करते हैं कि ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल बच सके, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक नॉर्मली लोग फार्म हाउसेज में अब किस तरफ जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि बिजली की बचत हो। ऑफकोर्स सिंस पाकिस्तान में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहता है, तो इट हेल्प्स अस आउट। ठीक है, मेरी तरफ से होम टूर तो कंप्लीट हो गया। लेट्स इफ देयर इज एनी क्यूरी, लेट अस नो। सो व्यूअर्स, आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक द स्टोर, एंड इन फ्यूचर आल्सो वी विल बी टेकिंग यू ऑन मोर टूर्स ऑफ डिफरेंट एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज दैट वी आर मार्केटिंग, वी आर सेलिंग। फॉर एनी सॉर्ट्स ऑफ क्यूरीज, फॉर एनी नेगोशिएशंस, इफ यू वांट अस टू टूर योर हाउस, इफ यू वांट अस टू टूर योर ओन प्रोजेक्ट्स, एंड वी आर ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगोशिएशंस। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क। Do not forget to like this video. Do not forget to hit the bell icon. Subscribe to our channel. And until next time, Allah Hafiz. Amanat.com, Pakistan's first investment portal. Mashwara Amanat hai.